My sensitive question to you, after this sentence, can you justify Naxalist activity? See, वो अभी एक question mark पे है. बचपन से हम लोगों को जो उनके बारे में बताया गया था, मैंने बहुत positive लिया था. Slowly एक ऐसे question mark पे आ गया है कि उस बात के बारे में बात करते भी डर लगता है कि कहीं गलत तो नहीं बोल जाए. कहीं उनकी एक्टिविटी के पीछे जो इंटेंस है, अगर प्रॉपर शायद वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है, देन दे कैन कॉल्ड एज अ टेररिस्ट. अभी तक उनको सिर्फ नक्सल कहा गया है. हमने जो बचपन से सुना है, मेरे को जो अभी आपने कहा था कि कौन है आपके पीछे, ऐसी कौन सी शक्ति जी, है? जी, जी, जी. ये जो बैग है इसमें लॉर्ड शिवा है. मेरे साथ नहीं जाते, मैं इनके साथ जाता हूं. घर में मेरे जिम के अंदर जो एक समा है, एक जिसे हम मंदिर कहते हैं, दरगाह कहते हैं, मस्जिद कहते हैं, दाता का दरबार कहते हैं, भोलेनाथ जी की आरती होती है, साथ में काफी तस्वीरें लगी हैं क्रांतिकारियों की. Okay. उनकी भी जो आराधना है, जब थाली घूमती है मंडे को, जब स्नान होता है बाबा भोलेनाथ का, मंडे को उनका स्नान होता है हमारे यहाँ, तो साथ में उस आराधना में वो सब क्रांतिकारी भी शामिल करता हूं. भगवान से हम मांगते हैं तो मिलता है, उन्होंने बिन मांगे दिया है हमें. भगवान बिन मांगे देता है, जानते सब हैं, लेकिन फिर भी पैटर्न है कि हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं ना? या, और मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं. क्रांतिकारियों ने तो वो मौका भी नहीं दिया आपको कि आप हमें मांगे. फंदा लिया, चूमा, शहादत दे गए. भगवान का दर्जा देता हूं मैं तो, देता हूं. मुझे अभी अगर आपने बिल्कुल रोमांटिक मूड में लाना है तो हौले हौले से दुआ लगती है ना, हौले हौले से दवा लगती है ना, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र न गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार, हौले हौले हो जाएगा प्यार चले आ, होले होले हो जाएगा प्यार. नहीं, इसमें ऐसा है कि जो रेलवे की जिम्मेदारी है उसमें कुछ इशू बेसिक है, उसमें कोई नया चेंज ओवर हो जाएगा तो थोड़ा बहुत वो मोड हो सकता है. बट बेसिक इशू जैसे हम लोगों का है, एक तो गुड सर्विंग, पैसेंजर्स की जो सेफ्टी है, पंक्चुअलिटी है और सिक्योरिटी है, ये बेसिक मुद्दे हैं. इसमें सस्टेन एफर्ट करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और जहाँ तक चेंज ऑफ मिनिस्ट्री या मिनिस्टर है उसमें ये बेसिक चीज़ें तो चेंज नहीं होती है. उसमें प्रशासन को उतना ही ध्यान देना पड़ता है, चाहे कोई भी. बेसिकली आइडेंटिफाई करवा हो पोताने, पोतानी जात साथे ज कई रीते मजा आवे छे, क्या स्क्रिप्टेड आर्टिस्ट बनवा मजा आवे छे के लाइव परफॉर्म करवानी मजा आती हो छे?
બીકોઝ ઘણા લોકો ઘણા આર્ટિસ્ટ એવા છે કે વિધાઉટ સ્ક્રિપ્ટ એ લોકો નથી પરફોર્મ કરી શકતા. હા હા, આઈ કાન્ટ પરફોર્મ વિધાઉટ અ સ્ક્રિપ્ટ. મારામાં બિલકુલ એ ક્ષમતા નથી. વિધાઉટ અ સ્ક્રિપ્ટ આઈ એમ કમ્પ્લીટલી લોસ્ટ. આઈ એમ એટ સી, આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ગો અબાઉટ થિંગ્સ. આઈ એમ કમ્પ્લીટલી અ ડિરેક્ટર્સ એક્ટર એન્ડ ધ રાઇટર્સ વર્ડ્સ આર ધ ઓનલી થિંગ્સ દેટ આઈ કેન આઈ એમ કમ્ફર્ટેબલ સ્પીકિંગ. And it's only in the garb or the disguise of the character that I'm playing can I actually perform an enactor role. Me on my own, I'm not a man of too many words. I'm not that expressive. So it becomes a bit of a challenge for me to kind of then speak up without lines having written down for me. Amir ji saathe kaam karyu, kya ghatke experience? બીકોઝ સ્પેશિયલ ટચ જે કદાચ નોર્મલી એમના માટે કહેવાય છે કે એક ડિરેક્ટર હોય, ડિરેક્ટર અમીરજી જોડે કામ કરાવતા હોય છે ત્યારે ડિરેક્ટરને પણ પોતાને પણ ઘણા નવા નવા એંગલ. હાઉ ઇઝ એક્સપિરિયન્સ પર્ટિક્યુલર? જી જી, આમિર ખાન સાહેબ બહુ મોટા સુપરસ્ટાર છે, એમના વિશે હું શું કહું. પણ કમાલના એક્ટર તો જે છે તમે બધા જાણો છો. હું પોઝિશનમાં નથી એમની એક્ટિંગ પર કમેન્ટ કરવા માટે, પણ એઝ અ હ્યુમન બિંગ આઈ કેન સે હી ઇઝ એન એબ્સોલ્યુટલી વન્ડરફુલ મેન, સમવન હુમ આઈ હેવ લર્ન્ડ અ લોટ, એન એબ્સોલ્યુટ જેમ ઓફ અ પર્સન ટુ વર્ક વિથ, વેરી કમ્પેશનેટ, વેરી કેરિંગ એન્ડ નોટ એટ ઓલ કેરિંગ ધ વેટ ઓફ ઓન હિઝ શોલ્ડર ઓફ બિંગ અ સુપરસ્ટાર. He's completely with no baggages. He's free at heart and really, really wonderful to work with. Rural photography ki aapne baat ki, to kaun sa aapka aisa yaadgar memorable photography ka koi event tha, incident tha jo aap kabhi zindagi mein nahi bhul sakte? रूल तो अभी कच्छ में हम गए मास्टर क्राफ्ट्समैन ढूंढने के लिए, एम्ब्रॉयडरी करती है, और टू फाइंड और को ढूंढने के लिए 4 दिन लगे. ओ रहती किधर? तो आपके पास नाम आ गया था? हाँ, आपके पास नाम था कि ये नाम की औरत है कच्छ पे, और कच्छ में मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ रहती है वो नहीं मालूम था, कोई विलेज का नाम नहीं मालूम था? विलेज का नाम नहीं मालूम था. ओके, कैसे ढूंढा आपने फिर? लोकल ड्राइवर राजकोट से लेकर ना बुज से निकले, गाड़ी लेके वहां से गए. 4 दिन लगे, 3 डेज. ओके, वो बारे पूछा, फिर वहां मिल गए. ओके, देन हाउ यू कन्विंस सर? तो शी वाज शी न्यू जलवट, मैसेज मिला था उसको कि फोटो आ रहा है, एड्रेस दे दिया था बराबर. आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे. अच्छा, बहुत अच्छा. ये क्यों क्यों रोक क्यों दिया है? शायद मेरे हिसाब से इंडस्ट्री ने एक अच्छी सिंगर को डाली जिसने भी आपको ब्रेक दिया होगा एक्टिंग के लिए, शायद लोग माफ नहीं करेंगे आवाज सुन के. नॉट एट ऑल, जिन्होंने मुझे एक्टिंग के लिए ब्रेक दिया है मैं उनको अपना मेंटोर मानती हूँ. हर एक आर्टिस्ट के, हर एक इंसान की एक अंधश्रद्धा होती है. जैसे मैं बताऊँ कि कोई भी शायद राइट आर्म पे घड़ी पहनता है, कोई होता है जैसे जितेंद्र जीत है तो राइट आर्म पे ही उनकी घड़ी रहती थी. really? हाँ, या और बाकी कोई होते थे जैसे राजकुमार जी तो वो वाइट शूज ही पहनते थे. सचिन तेंदुलकर, हमने लेफ्ट जो भी पाँव में पहले पैड लेफ्ट में डालेंगे या तो जो भी शू होगा वो लेफ्ट पाँव में पहनेंगे. really? ऐसा क्या है, कुछ मानते हैं जैसे कि शूट पे जाना है या घर से बाहर निकलना है तो पूजा करके जाना, पाँव छू के जाना या कोई चीज अपने पर्स में लेके जाना, ऐसी कोई? मैं पूजा करके निकलती हूँ, दैट्स द ओनली थिंग आई फॉलो. बाकी कोई? नो, मैं कोई भी जूता किसी भी वक्त पहन लेती हूँ, मैं कोई भी कलर पहन लेती हूँ मुझे. कौन सा फेवरेट कलर है आपका? माय फेवरेट कलर इज व्हाइट. ओके, गुस्सा कब आता है? गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता, मुझे प्रॉब्ली 2 साल में या 1 साल में एक बार गुस्सा आता है,
और जब आता है तो बहुत खराब आता है. दो दो साल में एक बार आता है. मतलब ये वो शेड्यूल फिक्स किया गया कि ओके ओके ओके. गॉड हैज फिक्स्ड दैट शेड्यूल फॉर मी. इसको दो साल में एक ही बार गुस्सा दूंगा मैं, बट जब दूंगा तो फिर दो साल का कॉम्पेंसेट कर दूंगा. अच्छा. क्या गुस्से में क्या रिएक्ट कैसे होता है गुस्सा आपका? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस. लग जा गले के फेर हंसी रात हो ना हो शायद फिर जन्म में मुलाकात हो ना हो. लग जा गले हे हे. जी देखिए ये हुआ सिलसिला 1981 में हुआ. ओके. जबकि मेरे बाल यहाँ से झड़ने लगे, साफ होने लगा मैं, तो मैंने उमरा करने के लिए मक्का मदीना गया 81 में. दुबई से होते हुए वहाँ पे जो क्रिकेट खेली जाती थी शारजा क्रिकेट टूर्नामेंट, तो 81 से शुरुआत हुई थी वहाँ से. तो हमने वहाँ से उमरे के लिए मक्का मदीना गया और वहाँ पे हमने पूरे अपने रिचुअल्स ख़त्म करते हुए हमने साफ हो गए. अपने बाल जितने भी थे बाल हमने निकाले और वापस जब आए तो एक स्कूल टूर्नामेंट बेंगलोर में हमने इनॉग्रेट किया. तो मीडिया वालों ने ऐसी ही हमारी तस्वीर पेपर में छाप कर उसने कहा, कैप्शन यही दिया कि यूल ब्रॉयनर ऑफ इंडियन क्रिकेट. तो वो ज़रा थोड़ा बहुत ही तेज़ी के साथ दिमाग के अंदर घुस गई बात. तो यूल ब्रॉयनर जो थे हॉलीवुड के बहुत ही माने हुए एक्टर और बिल्कुल साफ उनका हेयर स्टाइल था और मुच्छी दाढ़ी कुछ नहीं थी. बस फ़र्क यही था कि हमारे पास मुच्छी और दाढ़ी थी साथ में. तो इसको हम मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि भाई हम ज़रा अलग क्रिकेटर नज़र आने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भाई ये हेयर स्टाइल जो है ये चलेगा या नहीं चलेगा. तो बॉटम लाइन ये है कि जब भी देखा इस हेयर स्टाइल को तारीफ करने लगा कि भाई यार आपका बेहतरीन सर नज़र आ रहा है, जो आप बाल के साथ जो नज़र आ रहे थे इससे ये बेहतर नज़र आ रहे हैं आप इसमें. तो हम हर कोई एनकरेज करने लगा कि आपका अच्छा सा गोल सा सर है जिसमें कोई डेंट्स नहीं है, बम्प्स नहीं है, अच्छा नज़र आ रहा है. तो ये एनकरेजमेंट मतलब कई लोगों ने बाल बढ़ा के अपनी आइडेंटिटी अलग बनाई. आपने बाल साफ करके अब देखिए बिल्कुल नहीं यहाँ पे मेरे को और आगे भी कहने दीजिए कि ये एक स्टाइल बन चुका है, ये एक ट्रेंड आ चुका है. सबको पता नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं सबसे पहला हेयर स्टाइल जो कायम किया, मैं 81 से ऐसा हूँ. हाँ जी, आप ये नहीं समझिए कि आप लोग स्टाइल शुरू कर रही है, चाहे कोई एक प्रेसिडेंट भी है कोई कंट्री का जो इसी हेयर स्टाइल में है. अब ये कहना कि शक्ति कपूर एक जमाने में सिर्फ फिल्म को शूट करता था और बाद में उसने कॉमेडी की तो कॉमेडी भी अच्छी की और लोगों को पहले डराया, अभी लोगों को हंसा रहा है, तो इन दोनों में से मुश्किल क्या है? मुश्किल और आसान मेरे हिसाब से दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि व्हेन यू आर अ परफॉर्मर, व्हेन यू आर एन एक्टर जी, आप भूल जाते हैं कि आप विलन कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं कि आप कॉमेडी कर रहे हैं जी. आप जो सिचुएशन के आपको सीन मिलते हैं, जो आपका कैरेक्टर होता है, आप उस कैरेक्टर को जब फॉलो करते हैं, तो अगर वो विलन का रोल है तो आप विलन को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो बैटमैन का, अगर वो उसमें कॉमेडी की कुछ मतलब शेड्स हैं तो आप कैरेक्टर जब कर रहे हैं तो कॉमेडी खुद खुद आती है. जब तक एक्टर को समझ में नहीं आएगा कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एन एक्टर इज टू नो हिमसेल्फ कि वो क्या है. ओके. जो कि खुद अगर नहीं समझ पाते तो ऐसे ट्यूटर से या तो इंस्ट्रक्टर से वो उनको बताते हैं कि इसमें आपका पॉजिटिव है और उसको आप डेवलप करिए. हाँ, नहीं, खुद पता चलता है जब आदमी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता है, आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, सामने सिखाया जाता है, उसको खुद समझ में आता है, अरे हाँ तो मैं कर सकता हूँ.
अरे इसमें तो मैं डांस में बहुत अच्छा हूँ, अरे कॉमेडी में तो मैं मजा, वो सब क्वालिटीज आपको पता चलती है। તલસાણે બધું ઘણું બધું કરતા હોય છે, બાઇક ચલાવતા હોય છે, ફેમિલી સાથે સારામાં સારો સમય પસાર કરતા હોય છે, નવા નાટકમાં રચ્યા પચ્યા હોય છે, ચોપડીઓ વાંચતા હોય છે, ફોટોગ્રાફી કરતા હોય છે, ફોટોગ્રાફીનો બહુ શોખ છે મને, અને ફિલ્મો જોતા હોય છે, ચોપડીઓ વાંચતા હોય છે। ફેમિલીની વાત કરીએ ટીકુજી, ફેમિલીમાં થોડી ડિટેલ જરા આપશો? ફેમિલી ફેમિલીમાં મારે મારી વાઇફ છે દીપ્તિ તલસાણિયા, મારી દીકરી છે શિખા તલસાણિયા, અને મારો સન છે રોહન તલસાણિયા, ચાર જણાનું, અને મારો એક બીજું બચ્ચું પણ છે, દેટ ઇઝ માય ડોગ, જર્મન શેફર્ડ છે મારી પાસે, એનું નામ જોશ છે। આ પાંચ જણાનું પરિવાર છે અમારું, મલાડ ઇસ્ટમાં અમે રહીએ છીએ મુંબઈમાં, અને ભગવાનની દયા છે બધું જ છે, સારી રીતે રહીએ છીએ, ખુશહાલ છીએ। પ્રીતિજી, એવું કહેવાય કે કવિતા, કોઈ પણ કવિ હોય એ લગભગ ભાવના સાથે જોડાયેલો હોય, કાં તો પછી પ્રેમથી લખાય, કાં વિરહમાં લખાય, હા શેમાં લખવાની મજા આવે? એ બંનેમાં જ લખ્યું છે, વિરહના ઘણા કાવ્યો લખ્યા છે, એટલે વ્યક્તિનો વિરહ એના પણ, અને વધારે હું માનું છું કે દેશના વિરહના, એટલે ઘર, અમદાવાદ મારું ઘર હોય તો ઘરથી દૂર રહેવાનો જે વિરહ કે ઝુરાપો, એના ઘણા બધા કાવ્યો લખેલા। પછી તો દરેક સ્ટેજ એક આવતું જાય, અમુક વર્ષો પછી થોડોક મનોભાવ બદલાતો એ રીતે જાય કે હું વારંવાર ભારત આવતી થઈ, એટલે ઝુરાપો રહે, કોન્સ્ટન્ટ રહે હંમેશા, પણ મનમાં ખબર કે જ્યારે મન થાય ત્યારે ભારત કે અમદાવાદ જઈ શકું છું, એટલે એ એમાં જે ઝુરાપોમાં જે પેલો ડંખ હોય ને, એ ડાઉન્સ એમ, એ મેં ક્યાંક હમણાં લખ્યું છે કે હવે એવું જોઈએ કે કે પ્રેમમાં તીવ્ર વેદના ના હોય અને વિરહમાં આવો ડંશ ના હોય, એ બંને ભાવ જરૂરી છે, પ્રેમનો અને વિરહનો સતત, પણ અસહ્ય ના હોય। દેખીએ, બહુત હી અસ્પષ્ટ હૈ કે રાજનીતિક દલ इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन हमारा मजबूत कैंडिडेट है, जात और बिरादरी का ख्याल रखा जाता है, धर्म मूल और गोत्र का ख्याल रखते हैं राजनीतिक दल, लेकिन ये क्यों रखते हैं? इसलिए कि जनता इसी पर वोट देती है। बनाया कि ये माहौल बनाया किसने सचिन जी? ये सवाल है राजनीतिज्ञों ने बनाया, लेकिन अगर जनता स्ट्रिक्ट रहेगी कि हम, देखिए एक बात समझ लीजिए, कोई सड़क ऐसी कोई नेता नहीं बना सकता है जिस पर सिर्फ एक जात और एक धर्म का आदमी चले, कोई नेता ऐसे अस्पताल नहीं खुलवा सकता है जिसमें सिर्फ एक जात और एक धर्म के लोगों का इलाज हो सके, कोई नेता ऐसी बिजली नहीं जलवा सकता है जिसकी रोशनी के सिर्फ एक धर्म और एक जात के लोगों को मिले, पॉलिटिशियंस का या जो जनप्रतिनिधि है उनका यही काम है। लेकिन इसको चुनते वक्त में अगर आप इस पर ध्यान देने लगेंगे उसके, और अगर राजनीतिक दल, पांच राजनीतिक दल हैं और पांचों ने गलत कैंडिडेट खड़ा किया है, जनता को इतनी शक्ति है और सैकड़ों जगहों में लोगों ने निर्दलीय को जिताया है, और अगर आप इस पे फैसला करने लगेंगे, देखिए जनता जैसा चाहती है पॉलिटिकल दल वैसा ही करता है। घणो बधो संघर्ष करवो पड़ो छे, थोड़ो घणो नहीं पण ઓવર કરવું પડ્યું છે, એટલું બધું સંઘર્ષ કરીને હું અહીં સુધી પહોંચી છું કે મને ખબર નહોતી કે હું આ અવાજથી લોકો સુધી ભજનનું રસપાન કરાવડાવીશ કે ગરબા કરીશ કે ગરબા ગાઈશ, પણ આ કુદરતી છે, બધું મને કલા તો આપી હતી, એ દરમિયાન બહુ વિરોધો થયા હતા કે મને બહારથી એવું જાણવા મળ્યું હતું, પણ લોકો મારા સુધી, મારા મોમેડિયન ભાઈઓ કે આ, એમને એવું કોઈ નથી કર્યું કે હું સ્ટેજ ઉપર હું ના જઈ શકું, આવો ત્રાસ મારી માથે નથી થયો, પણ મેણા ટોણા ખરા
કે ભાઈ મુસ્લિમ દીકરી હોવા છતાં ભી આવું બધું કરે છે, આ છે તે છે, જેટલા સમજદાર મુસ્લિમ છે એમની વાત નથી આ. જે લોકો કલાને સમજે છે, સંગીતને સમજે છે, એ લોકો મારું ગૌરવ લે છે કે ભાઈ અમને ગર્વ છે કે ભાઈ મુસ્લિમની દીકરી છે છતાં ભી આટલી બધી આગળ છે એમ કહી શકે કે મુસ્લિમની દીકરી છે ફરીદા મીર એટલે અમારી મુસ્લિમ છે. પણ ઘણા લોકો જે નથી સમજી શકતા એ લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ મુસ્લિમ છે ને આવું બધું કરે છે, આ છે તે છે, એવું ઘણો બધો સંઘર્ષ મારે કરવા પડ્યા. મોહમ્મદ રફી જેવા પણ એક, એમણે પણ રામ અને કૃષ્ણ વિશેના ભજનો ઘણા બધા ગાયેલા છે. મીન્સ જે સંગીતને સમજે છે તેને ક્યારે આ રીતનો વિરોધ નહીં થતો. ફરીદાજીને ગુસ્સો ક્યારે આવે? જનરલી કોઈ ખોટું બોલે એમનાથી મને વધારે ગુસ્સો આવે છે. એક ડ્રિંક્સથી કોઈની છેડતી કરતા હોય, અને કોઈ જનરલી હું ક્યારેક મારો અનુભવ કહું કે ફોર વ્હીલ ગાડી લઈને હું જતી હોય પણ એ દરમિયાન હું ક્યારેક ક્યારેક એક્ટિવા લઈને બી જતી હોય, મને આમ એન્જોયનું મન થાય ભલે દુપટ્ટો બાંધીને જતી હોય. પણ જ્યારે હું દુપટ્ટો બાંધીને જતી હોય અમદાવાદનો અનુભવ કહું મારો, કે મને એક્ટિવા લઈને જવાનો શોખ થાય કે કોઈ મને જોવે નહીં એ રીતે જાઉં, પણ ફ્રી ડ્રેસમાં પેન્ટ શર્ટ પહેરીને એવી રીતના બિંદાસ ફરી શકું એવી રીતે જતી હોય ત્યારે લોકો છોકરા જે મારી સામે જોતા હોય ત્યારે હું જનરલી એવું વિચારું છું કે આજે હું ફરીદા મીર છું, હમણાં દુપટ્ટો કાઢીશ તો એમ થશે કે બેન સોરી સોરી અમને ખબર. પણ જનરલી છોકરીઓ સાથે આવી રીતે કરતા હશે ખરી, આમ કોમન લેડીઝ કોમન ગર્લ્સ માટે આવું વિચારું છું, અને ત્યારે મને અનહદ ગુસ્સો આવે છે કે ઉભો રાખીને એમ કઈક કહી દઉં એમને એવું. ટ્રેકિંગ વિશેની વાત કરીએ, એ મને પૂછવાનું હતું, આપે થોડો વહેલો સિલેબસની અંદર પહેલા લાવી દીધો આપે. ટ્રેકિંગનો કોઈ કોઈ કેવો અનુભવ ટ્રેકિંગમાં, કે અગેઇન કારણ કે આ એક સ્પોટ એવી છે કે જેની અંદર નોર્મલી મેલ ડોમિનેટ કરતું હોય. ના ના, એવું જરાય નથી. સ્પોર્ટ્સમાં તો હું લેતી હતી ઇન્ટરેસ્ટ, એટ ધ સેમ ટાઈમ નાનપણથી અમે લોકો માથેરાન જ્યારે જતા હતા ત્યારે મારા ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ દરેક વખતે, એ વખતે તો આટલી બધી સુવિધાઓ નહીં હતી, પહાડો ચડાવતા હતા ઉતરાવતા હતા એ પણ જંગલોમાં, ખાવાનું કંઈ જ નહીં, સવારે 6 વાગ્યામાં લઈ જાય ખાધા પીધા વગર, અમને પહાડો ચડવાના ને ઉતરવાના, અને કોઈ સાધન સામગ્રી ન હોય, તમારો સામાન તમે લીધો છે તમે જ ઉચકો, ને ઘોડેસવારી પડો તો તમે જ ઊભા થાવ, એ રીતની એટીટ્યુડ, એટલે મિલિટરી ટ્રેનિંગ મળેલી છે અમને. ને મને પહેલેથી જરાક શોર્ટ ટેમ્પર તો હું છું જ, ને કંઈ પણ હોય તો સીધો કોલર જ પકડો, એટલે એવા એક બે કિસ્સા પણ થયા હતા કે નેચરલી જરા યંગ થાઓ એટલે છોકરાઓ તમારી મસ્તી કરે કે કોઈ કમેન્ટ પાસ કરે કે સીટીઓ પાડે, એટલે જઈને કંઈ બોલવાનું નહીં, કોલર પકડવાનું તમા જ અમારું, એટલે એ ચેન ફાઇટિંગ એ બધું નાના મોટા પાયે કરે. સો ડાકુરાણી ગંગા આમ આમ જોવા જાય તો લગભગ એપ્રોપ્રિએટ જે આપ્યું હતું કે હાથ છૂટો હોય, અન્યાય સહન નહીં કરવાનો, અને ગુસ્સો છે એ સડનલી એક્સપ્રેસ કરે. એટલે ઘણી વાર એમ થાય કે જયારે ફાઇટ સીન આવે ને ત્યારે હું તમને કહી દઉં એમ થાય કે હા શાજા આજે હાથ જરા છૂટો થયો, થોડી એક્સરસાઇઝ મળી ગઈ. ને અધરવાઇઝ મને ટ્રેકિંગનો જે શોખ છે, હું હમણાં તો લગભગ એમ કહીએ કે 7-1 વર્ષ પહેલાં, હમણાં જઈ નથી શકી મારા કામના હિસાબે, પણ છોટા કૈલાશ ને માનસરોવર ને બધે જઈને આવીશું, એટલે મને એ બધું ગમે જ છે. ને હું એ માટે મારે કામ છોડવું પણ પડે તો હું છોડી દઉં છું. બહરહાલ જો મર્જ ફિલ્મ કા ગાના હુઆ उसके बाद मुझे बप्पी दा ने बुलाया, गिरफ्तार पिक्चर में सीधा उन्होंने मुझे किशोर दा के साथ डुएट रखवा दिया. और किशोर दा ने पहली बार जब मैं माइक पे खड़ा हुआ और किशोर दा ने सीधा बोला, वाह क्या बात है यार, तू तो शेर का बच्चा है यार, ये उनका सेंटेंस था. क्योंकि वो गृहस्थी आवाज में गाने वाले जी, तो उनको वो पसंद आएगा, आया कि ये भी तो वैसे रेंज हाई पिच वाला आदमी है. अरे क्या बात है यार, किधर से आया तुम? बोले कलकत्ता. ओ सही जोन ने, मतलब उनको वो भी बंगाली. हाँ बोलो सही जोन ने, तो क्या बात है यार. वो थोड़ा फिर मैंने गाया, बोले तुझे डर नहीं लग रहा? मैं बोला नहीं दादा. क्यों? तो क्यों जो बोला ना, तो उनको और अच्छा लगा कि मतलब आमतौर से लोग डरते ना सीनियर के साथ. हाँ? ये बोला आपने? हाँ, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया. क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ शाबाश, ठीक है, अच्छा गा रहा तू, कीप इट अप. हाँ मैं आराम से गा रहा हूँ. इतना लाइट मूड में मुझे देखा उन्होंने. हाँ.
तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे पूछा, अच्छा तू एक बात बता, मुझे तुझे देख के कोई याद आ रहा है। मैं बोला कौन दादा? बोले मुझे तुझे देख के रफी साहब याद आ रहा है, तू उनका भक्त है क्या? बोले दादा 100%, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे गुरु है, मेरे आदर्श है। तो ये बोलते बोलते मेरी आंखों में जरा आंसू आ गए इमोशनली। तो उन्होंने बोला अच्छा यार, तो सचमुच बहुत प्यार करता, लेकिन एक बात बताओ, तू क्या प्यार करता है? तेरे से ज्यादा मैं उनको प्यार करता हूँ। गाने वाला तो वही था, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला।